अक्सर कई बार मूवीज को ऑडियंस और क्रिटिक्स के द्वारा नकार दिया जाता है, मतलब उन मूवीज को फ्लॉप माना जाता है। पर इस सब के बाद भी कई मूवीज फाइनेंशियली हिट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है, आखिर मूवीज पैसे कैसे कमाती हैं? अब ये तो आप जानते हैं कि जितनी मूवीज भारत में बनाई जाती हैं उतनी किसी दूसरे देश में नहीं बनाई जाती। भारत में कई फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बॉलीवुड, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, मराठी इत्यादि। कोविड से पहले तक बॉलीवुड इंडस्ट्री को यह माना जाता था कि यह सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, पर अब कंडीशंस अलग है, क्योंकि अब पैसे कमाने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री है। आइए अब जानते हैं कि आखिर मूवीज पैसे कैसे कमाती हैं। जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसका कुछ बजट रखा जाता है। अगर मूवी बजट से ज्यादा कमाती है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, और अगर कम कमाती है तो प्रोड्यूसर को लॉस होता है। जब फिल्म बनकर तैयार हो जाती है तो उसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को सिनेमा हॉल और ओटीटी तक पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म की मार्केटिंग पर भी पैसे खर्च करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कैसे कमाते हैं, तो आप जान लें कि वह सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं। इन सब के बाद भी कई प्रोडक्शन हाउस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। सिनेमा हॉल में टिकट्स बेचकर जितने पैसे मूवी कमाती है उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। तो कमाए गए पैसे में से जब सरकार को जीएसटी दे दिया जाता है तो उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है। अगर मूवीज का नेट कलेक्शन बजट से ज्यादा होता है तो मूवी प्रॉफिट में होती है, और कम होता है तो लॉस में होती है। अगर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ना हो तो प्रॉफिट शेयर 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में परसेंटेज शेयर करते हैं। नंबर 2, प्रोड्यूसर मूवी को एक बार में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। नंबर 3, प्रोड्यूसर कमाए गए प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। जब मूवी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाती है तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर उसे सब डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और सब डिस्ट्रीब्यूटर उसे सिनेमा हॉल के मालिकों को देते हैं। सिनेमा हॉल 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन में सब डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल के बीच जो डील होती है वो 3:1 की होती है। मतलब अगर कोई मूवी 100 रुपए कमाती है तो 75 रुपए सब डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे और 25 रुपए सिनेमा हॉल को मिलेंगे। नंबर 2, मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स वो सिनेमा हॉल होती हैं जो अक्सर मॉल्स में पाए जाते हैं। इसमें जो सब डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल के बीच डील होती है वो 50-50 की होती है। आज कई ऐसे एक्टर्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करते हैं, और कई ऐसे एक्टर्स हैं जो सेलरी बेसिस पर काम करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर मूवीज का बिजनेस कैसे काम करता है। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।